भाई WWE का नेक्स्ट प्रीमियम लाइव इवेंट बैड ब्लड जो कि ब्लड लाइन को रिप्रेजेंट करने वाला है, क्योंकि गाइस बैड ब्लड में फाइनली रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स फेस करने वाले हैं जेकब फाटू एंड सोलो सिकोवा को एक टैग टीम मैच में। एंड देन गाइस ये इंसिडेंटली मैच कंफर्म होता हुआ नजर आ गया है। एंड गाइस अभी तक WWE ने इसका पोस्टर नहीं निकाला, बट गाइस आपको फाइनली इसका पोस्टर भी देखने को मिलने वाला है। एंड देन गाइस अगर हम बात करें रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स के टीम वर्क की, तो गाइज फाइनली रोमन रेंस तो कोडी रोड्स के साथ किसी भी वे में अलाइन नहीं होने वाले हैं। एंड गाइज रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स कहीं ना कहीं एक दूसरे के राइवल हैं, एंड ये दोनों ही सुपरस्टार एक दूसरे के अगेंस्ट कभी ना कभी तो आने ही वाले हैं। तो गाइज ऐसे में जो ये मैच होने वाला है रोमन रेंस कोडी रोड्स एंड जेकब फाटू एंड सोलो सिकोवा का, गाइज इसमें रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स का जो आपको फाइनली फ्यूड स्टार्ट होता नजर आ सकता है इसी मैच से, गाइज हो सकता है कि आउट ऑफ नोवेयर आपको स्पीयर लगता हुआ नजर आए कोडी रोड्स के ऊपर। एंड देन गाइज कोडी रोड्स भी टर्न कर सकते हैं रोमन रेंस के ऊपर WWE के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग। एंड गाइज अब जेकब फाटू एंड सोलो सिकोवा की बात करें, तो गाइज फाइनली जेकब फाटू वो सुपरस्टार होने वाले हैं जो कि सोलो सिकोवा को बिट्रे कर सकते हैं एंड गाइज अपना न्यू ब्लड लाइन क्रिएट कर सकते हैं। अब गाइज ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि गाइज WWE के रूमर्स एंड गाइज WWE के रिपोर्ट्स यही कह रहे हैं कि जेकब फाटू जो होने वाले हैं वो आगे जाकर के सोलो सिकोवा को बिट्रे करेंगे एंड अपना एक न्यू फैक्शन बनाने वाले हैं। एंड उनके फैक्शन में जो द ब्लड लाइन 3.0 में होने वाले हैं टामा टोंगा टांगालोवा हिकुलियो एंड जेकब फाटू होने वाले हैं। एंड गाइज उसके जो रियल चीफ होने वाले हैं वो कोई और नहीं द रॉक होने वाले हैं। तो गाइज ऐसे में द ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन काफ़ी डीप में जाने वाली है और इस स्टोरी लाइन को कोई भी एक वर्ड या एक बार में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि गाइज अभी ये हम बॉटम ऑफ थर्ड चल रहे हैं द ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में एंड अभी बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलने वाली हैं ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।